हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग एक खूबसूरत फ्लावर के साथ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आज मैं आप लोग को धनिया बोने के कायदे नियम बताऊंगी। पहले तो इसमें खाद में गोबर के मिला के आप लोग को बताती हूँ। ये अच्छी तरह से मिल गया है। इसको पहले भी मैं मिक्स अच्छे से करके रखी हूँ और इसको करके अब इससे मैं थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेती हूँ। 1 इंच के बराबर मैं मिट्टी निकाल के, ये गर्मी में भी बहुत अच्छे से होगा, बराबर मैं कर लेती हूँ अच्छे से। ये इस तरीका से अगर आप लोग धनिया बोएंगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आप लोग को मिलेगा। ये लोकल मार्केट से मैं लाई हूँ, अब आप लोग देख लीजिए। इसी को मैं हर बार बोती हूँ और आज से नहीं, मैं 10 साल से कोरिएंडर को उगाती हूँ और मैं इसको यूज लाती हूँ। काट के मैं कभी भी इसको भिंगाती नहीं हूँ, मैं बस पैकेट फाड़ी और इस तरह से मैं डाल देती। दाना दाना सब अच्छे से भर दीजिए आप इसको। इतना करने के बाद इसको अच्छे से आप दबाइए ताकि आप पानी अगर इसमें डालें तो बीज कहीं इधर से उधर नहीं जाए, ये सेट हो जाए यहीं पर। आप इसको अच्छे से दबाइए प्रेस कर करके। फिर इसके ऊपर मैं मिट्टी जो ये निकाल के रखी थी इसको मैं अच्छे से कवर कर देती हूँ। इसको मैं अच्छे से कवर कर रही हूँ, जितना हो सके इसको पूरा बीज को आप कवर करिए इस तरह से। आप इसको कवर करिए, प्रेस करने के बाद अच्छे से मैं इसे दबा देती हूँ। अब आप इस पर अगर वाटरिंग करेंगी तो बीज इधर से उधर नहीं फैलेगा, नहीं तो बीज जो है एक साइड हो जाएगा पानी देने के बाद, तो फिर आपका धनिया अच्छे से नहीं उगेगा। इसके लिए आप अच्छे से दबाइए, दबाना बहुत ज़रूरी है इसको। अब ये सही हो गया है, सही तरह से सेट हो गया है, देखिए कितने अच्छे से सेट कर दी हूँ। अब इसमें मैं वाटरिंग करूँगी, वाटरिंग भी थोड़ा सा तरीके से करें, हाथ रख के वाटरिंग भी बहुत अच्छे से करना होगा। पूरा पानी दीजिए गमला भर के, आप इसको कवर करिए। मैं ये प्लास्टिक रखी हूँ, इससे मैं कवर करूँगी।
से। इसे मैं पहले भी धनिया उगा चुकी हूँ, हवा में उड़े नहीं, इसलिए मैं इसको दबा दूँ और इसको धूप में रखिए अच्छे से 5-6 घंटे को धूप इसको लगना ज़रूरी है। ये देखिए धनिया किस तरह से लहलहा रहा है, कितना अच्छा हुआ है। अगर आप लोग भी मेरे तरीका से धनिया बोएंगे तो इसी तरह आप लोग भी उगाएंगे धनिया।